अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसमन आयुर्वेद समाधान, जिसमें आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, जैसे कि लॉकडाउन में पब्लिक वैसे ही बहुत परेशान है, काम धंधे से, पैसे से, व्यापार से, हर चीज़ से बहुत ही परेशान है। और ऐसे में एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर मेरे पास आए, जिनके सांप ने काट लिया था बच्चे के, और बहुत परेशान थे। बहुत ही सफलतापूर्वक मैंने उस बच्चे का इलाज किया और बिल्कुल भली भांति ठीक होने के बाद उसको उसके घर रेफर करवा दिया गया। और कौन सा सांप था आज हम उसे जंगल में छोड़ने आए, देखिए। बाकी आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सभी लोगों की मदद हो सके, सबको पता चल सके कि हम सफलतापूर्वक सांप काटे का इलाज करते हैं। कौन सा सांप है? बलबग्गा और पुलिया गड़ार भी बोलते हैं इसको। आपके यहाँ पे क्या कहते हैं इसका नाम जरूर बताएं। आज फिर हमारे पास एक केसेस आया है सांप काटे का, पर इनको ये पाताल मणि का घोल पिलाते हुए। और इससे पहले इनको, जैसे कि जो सुंघाने की दवाई है, इसको बाथू या कपूरिया बोलते हैं, उससे ट्रीटमेंट किया था और नीम के पत्ते भी चबा के देखे थे बचिए। और इन लोगों ने ये भी अच्छा करा था कि मरीज के बंद लगा दिए थे, देखे, जैसे कि एलोपैथी लोग कहते हैं कि बंद नहीं लगाने चाहिए, लेकिन बेहतरी इसी में है। और ये सांप काटे के यहाँ पर जख्म भी है। कुल मिला के इंशाल्लाह मरीज अच्छा हो जाएगा। क्या नाम है इसका बच्चे का? ऋतिक। कहाँ से आए? शांति बिहार। शांति बिहार से। कैसे एड्रेस मिला? बताया था मैंने। अच्छा, बताया था किसी। ठीक है, इसके बंदे एक एक करके खोल दो, धीरे धीरे एक बंद और खोल दो। ऊपर वाला खोल दो, नीचे वाला, नीचे वाला। कोई दिक्कत तो नहीं है? ना, हमारी जिम्मेदारी है, मरीज ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं, ये खोल दो। ये कोई फुलबग्गा नाम से सांप बता रहे हैं, जो कि येलो रिंग जैसा पड़ा था उस पर। और जैसे कि पाताल मणि का घोल भी इनको दे चुके हैं, उसके बाद ही बंद खुला रहे हैं, जैसा कि हमारे उस्ताद जी ने बताया है। और काफ़ी लोगों का इसी तरह से ट्रीटमेंट किया है, सभी लोग यहाँ से निराश होकर आए थे और खुश होकर गए। और जैसे कि पहले भी मेरी घोषणा थी, मैं किसी से एक रुपया नहीं लेता हूँ, एक चबन्नी नहीं लेता हूँ, जो भी मेरी सेवा है वो करता हूँ मुफ्त में। और इंशाल्लाह इनसे भी यही इसमें बयान होगा कि हाँ, मैंने इनसे भी कोई चबन्नी नहीं ली है। पीछे में कोई बदनाम करे वो बात अलग है, लेकिन जो इनके परिजन हैं बच्चे के, ये लोग इसमें खुद बताएंगे कि हाँ, मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। ये हमारी करेली में हकीम रिजवान के यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि हमारा एड्रेस है पुरानी मस्जिद, ग्राम बा पोस्ट, करेली, जिला बरेली, और थाना स्वास्थ्यनगर। जैसे कि हमारे यहाँ सांप काटे का इलाज जो है निःशुल्क है। सांप, छिपकली, बिस कपड़ा, कोई भी जहरीला जीव जंतु काट लेता है, उसका इलाज हमारे यहाँ मुफ्त किया जाता है। और संपर्क सूत्र हमारा है 7017564265। आप किसी भी समय आ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी सेवा करेंगे इंशाल्लाह, जो भी हमसे होगा। ये पाताल मणि का घोल है। बच्चा एक एक करके सभी जौ को तोड़ रहा है सामने के दांत से। पार्ट कितने हो गए? अपने हाथ से काटना आप लोग। कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक, आपका मरीज खतरे से बाहर है 100%। आप चाहो तो घर ले जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है,
बस आप लोग इतना बता दो, यहाँ पे मैंने आपका कोई पैसा वगैरह किसी चीज़ का कोई लालच तो नहीं रखा है? नहीं। और एक भी रुपया किसी मामले में आपसे मांगा हुआ लिया हो? और आपसे उम्मीद करते हैं अगर कोई आपको आगे कभी मरीज मिल जाए तो आप बेझिझक हमारे यहाँ भेज सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है? कहाँ से आए थे, नाम भी बता दो। मेरा नाम सचिन शर्मा है, मैं शांति विहार थाना शांति विहार से। अच्छा जी, ठीक। फिलहाल आपका मरीज